जय श्री राधा कृष्ण। श्री कृष्ण का प्यारा मार्गशीर्ष महीना चल रहा है और इसी में अति पावन कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी है। उत्पन्ना एकादशी को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि उत्पन्न एकादशी, उत्तम एकादशी, कल्याण एकादशी, अमृत एकादशी आदि। इस दिन व्रत रखने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत रखने से भगवान विष्णु की कृपा सहज में ही बड़ी आसानी से मिल जाती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। जो लोग एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए उत्पन्ना एकादशी के व्रत से शुरू करना बहुत फलदायी होता है। इस दिन एकादशी माता का प्रादुर्भाव यानी प्राकट्य हुआ था, इसी से ये एकादशी महासामर्थ्यवान और तुरंत फल देने वाली है। जो लोग वैसे एकादशी व्रत नहीं करते, उन्हें भी कम से कम इस एकादशी व्रत का पालन तो जरूर ही करना चाहिए। एक दिन मोक्ष दिलाने वाला वैतरणी व्रत भी होता है। एकादशी के इस एक व्रत को रखने से मनचाही इच्छाएं पूरी होती हैं। उत्पन्ना एकादशी की कथा बहुत महत्व वाली है, इसलिए अगर कोई साधक व्रत नहीं भी रख पा रहा तो कम से कम एकादशी की बढ़िया पूजा करके ये कथा जरूर सुने, इसका भी बहुत उत्तम फल मिलता है। अब आज इस वीडियो में हम अति पावनी उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा और एकादशी माता की आरती को सुनेंगे। साल की बड़ी एकादशी है, सभी पूजा व्रत जरूर करें, कथा जरूर सुने। उत्पन्ना एकादशी से ही एकादशी का व्रत शुरू किया जाता है। उत्पन्ना एकादशी का महत्व भविष्योत्तर पुराण जैसे कई हिंदू ग्रंथों में बताया गया है, जो कि राधा युधिष्ठिर का भगवान श्री कृष्ण के साथ वार्तालाप के रूप में प्रसंग है। अब आपको इस एकादशी की अति पावनी महत्व बताती हूँ। प्रेम मन और भाव से सुने। हाथ में फूल, तिल और दक्षिणा रखकर एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, एकादशी व्रत की क्या महिमा है? इस व्रत को करने से कौन कौन सा पुण्य मिलता है? इसकी विधि क्या है? सो आप मुझे सब बताने की कृपा करें। राजा युधिष्ठिर की ये बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजा युधिष्ठिर, सर्वप्रथम हेमंत ऋतु के मार्गशीर्ष माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। दशमी की संध्या को दातुन करना चाहिए और रात्रि को भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी को प्रातःकाल संकल्प नियम के अनुसार कार्य करने चाहिए। मध्यान्ह को संकल्प पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान से पहले शरीर पर मिट्टी का लेप लगाना चाहिए। स्नान के बाद मस्तक पर चंदन का तिलक लगाना चाहिए। स्नान के बाद धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। रात्रि में दीपदान करें। ये सभी सात्विक कर्म भक्ति पूर्वक करने चाहिए। रात में जागरण करते हुए श्री हरि के नाम का जप करना चाहिए और किसी भी प्रकार के भोग विलास या स्त्री प्रसंग से दूर रहना चाहिए। मन में पवित्र और सात्विक विचारों को ही जगा दे। इस दिन श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे और उनसे अपने पापों की क्षमा याचना करे। धार्मिक जनों को शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की दोनों एकादशियों को एक समान समझना चाहिए, उनमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। ऊपर लिखी विधि के अनुसार जो मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें शंखो द्वार तीर्थ और दर्शन करने से जो पुण्य मिलता है, वो पुण्य सिर्फ एकादशी व्रत के पुण्य के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। हे राजा युधिष्ठिर, व्यतिपात योग में, संक्रांति में तथा सूर्य और चंद्र ग्रहण में दान देने से और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है, वही पुण्य मनुष्य को एकादशी का व्रत करने मात्र से ही मिल जाता है। हे कुंती पुत्र, जो फल वेद पाठी ब्राह्मण को 1000 गौदान करने से मिलता है, उसे 10 गुना अधिक पुण्य सिर्फ एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। 10 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य मिलता है, वो एकादशी के पुण्य के 10वें भाग के बराबर होता है। निर्जल व्रत करने का आधा फल 1 बार भोजन करने के बराबर होता है। अतः एकादशी का व्रत करने पर ही यज्ञ, दान, तप आदि मिलते हैं, अन्यथा नहीं। इसलिए एकादशी का व्रत जरूर ही करना चाहिए। एकादशी के व्रत में शंख से जल नहीं पीना चाहिए। मांसाहार और अन्न आदि का सेवन एकादशी के व्रत में निषेध है।
याद रखना, एकादशी व्रत का फल 1000 यज्ञों से भी ज्यादा है। भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर ने कहा, हे प्रभु, आपने इस एकादशी व्रत के पुण्यों को अनेक तीर्थों के पुण्य से श्रेष्ठ तथा पवित्र क्यों बतलाया है? कृपया करके ये सब भी विस्तार पूर्वक कही। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, मानवों के कल्याण के लिए तुमने ये उत्तम प्रश्न किया है, ध्यान से सुनो। सतयुग में एक महाभयंकर दैत्य हुआ था, उसका नाम था मूर। उस दैत्य ने इंद्र आदि देवताओं पर विजय प्राप्त कर उन्हें उनके पद से हटा दिया। इंद्र तथा अन्य देवता क्षीर सागर गए, जहां पर भगवान श्री हरि विष्णु शेष शय्या पे विराजमान थे। इंद्र सहित सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के समक्ष उपस्थित होकर उनकी स्तुति की और कहा, हे तीनों लोकों के स्वामी, आप स्तुति करने योग्य हैं। हम सभी देवताओं का आपको कोटि कोटि प्रणाम है। हे दैत्यों के संहारक, हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी रक्षा करें। हे त्रिलोकपति, हम सभी देवता दैत्यों के अत्याचारों से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। इस समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है और हम सभी देवता बड़ी ही दयनीय स्थिति में मृत्यु लोक में विचरण कर रहे हैं। अब आप ही हमारे रक्षक हैं, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे कैलाशपति, हे जगन्नाथ, हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं की करुण पुकार सुनकर भगवान श्री हरि बोले, हे देवगणों, ये कौन सा दैत्य है जिसने देवताओं को जीत लिया? आप सभी देवगण किसके भय से पृथ्वी लोक पे भटक रहे हैं? क्या वो दैत्य इतना बलवान है जिसने इंद्र सहित सभी देवताओं को जीत लिया? तुम निर्भय होकर मुझे सब हाल बताओ। भगवान विष्णु के इन वचनों को सुनकर देवेंद्र ने कहा, हे प्रभु, प्राचीन काल में भ्रमवश में उत्पन्न हुआ नाड़ी जगम नाम का एक असुर था, जिसका मुर नामक एक पुत्र हुआ, जो चंद्रावती नामक नगरी में निवास करता है, जिसने अपने बल से मृत्युलोक और देवलोक को जीत लिया और सब देवताओं को देवलोक से निकाल दिया। कृपया आप इस बलशाली भयानक असुर का संहार करके देवताओं की रक्षा करें। देवेंद्र के मुख से ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे देवताओं, मैं आपके शत्रुओं का शीघ्र ही संहार करूंगा। देवताओं की पुकार पर भगवान विष्णु तुरंत ही उनके साथ चल दिए। उधर दैत्यराज मुर ने अपने तेज से जान लिया कि श्री विष्णु भगवान युद्ध की इच्छा से उसकी राजधानी की तरफ आ रहे हैं, इसलिए वो अपने राक्षस योद्धाओं के साथ युद्ध भूमि में आकर गरजने लगा। देखते ही देखते युद्ध शुरू हो गया। युद्ध शुरू होने पर अनगिनत असुर अनेक अस्त्रों शस्त्रों को धारण कर देवताओं से युद्ध करने लगे, किंतु देवता तो पहले ही डरे हुए थे। वो अधिक देर तक राक्षसों का सामना ना कर सके और भाग खड़े। तब भगवान विष्णु स्वयं युद्ध भूमि में आ गए। दैत्य पहले से भी ज्यादा जोश में भरकर भगवान विष्णु से युद्ध करने लगे। वो अपने अस्त्र शस्त्रों से उन पर भयानक प्रहार करने लगे। दैत्यों के आक्रमण वारों को श्री विष्णु भगवान अपने चक्र और गदा के प्रहारों से नष्ट करने लगे। इस युद्ध में अनेक दैत्य सदा के लिए मृत्यु की गोद में समा गए, किंतु दैत्यराज मुर भगवान विष्णु के साथ निश्चल भाव से युद्ध करता ही रहा। उसका तो जैसे अभी बाल भी बांका नहीं हुआ, वो बिना डरे युद्ध कर रहा था। भगवान विष्णु मुर को मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग करते, वो सब उनके तेज से नष्ट होकर उस पर पुष्पों के समान गिरने लगते। अनेक अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग करने पर भी भगवान विष्णु उसे जीत ना सके। तब वो आपस में मलयुद्ध करने लगे। भगवान श्री हरि उस असुर से देवताओं के लिए सहस्र वर्षों तक युद्ध करते रहे, किंतु उस असुर से ना जीत सके। अंत में भगवान विष्णु शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्रिक आश्रम स्थित 88 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवती नाम की एक गुफा में प्रवेश कर गए। हे राजा युधिष्ठर, उस गुफा में प्रभु ने शयन किया। भगवान विष्णु के पीछे पीछे वो दैत्य भी वहां चलाया। भगवान श्री हरि को सोता देखकर वो उन्हें मारने को तैयार हुआ, परंतु उसकी ये इच्छा पूर्ण ना हो सकी, क्योंकि उसी समय भगवान विष्णु के देह से दिव्य वस्त्र धारण किए एक अत्यंत मोहिनी कन्या उत्पन्न हुई और राक्षस को ललकार कर उसे युद्ध करने लगी। उस कन्या को देखकर राक्षस को घोर आश्चर्य हुआ और वो सोचने लगा कि ऐसी दिव्य कन्या कहाँ से उत्पन्न हुई, और फिर वह असुर उस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा।
कुछ समय बीतने पर उस कन्या ने क्रोध में आकर उस दैत्य के अस्त्र शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसका रथ तोड़ डाला। अब तो उस दैत्य को बड़ा ही क्रोध आया और वो सारी मर्यादाएं भंग करके उस कन्या से मलयुद्ध करने लगा। उस तेजस्वी कन्या ने उसको धक्का मार के मूर्छित कर दिया और उसकी मूर्छा टूटने से पहले ही उसका सर काट कर धड़ से अलग कर दिया। सर कटते ही वो असुर पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। भगवान विष्णु जब निंद्रा से जागे तो उस असुर को मरा देखकर उन्हें घोर आश्चर्य हुआ और वो सोचने लगे कि इस महाबली को किसने मारा है। तब वो तेजस्वी कन्या श्री हरि विष्णु से हाथ जोड़कर बोली, हे जगदीश्वर, ये असुर आपको मारने को उद्यत था, तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इस असुर का वध किया है। कन्या की बात सुनकर भगवान बोले, तुमने इस असुर को मारा है, अतः हे कन्या, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। इसे मारकर तुमने तीनों लोकों के देवताओं के कष्ट को हरा है, इसलिए तुम अपनी इच्छा अनुसार मुझसे वरदान मांगो, मैं तुम्हारी हर इच्छा को पूर्ण करूंगा। भगवान की बात सुनकर कन्या बोली, हे प्रभु, मुझे ये वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य या देव मेरा व्रत करे उसके सभी पाप नष्ट हो जाए और अंत में उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हो। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और उसका आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो श्रद्धालु भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करे वो निश्चय ही बैकुंठ लोक को प्राप्त करे। जो मनुष्य मेरे व्रत में दिन तथा रात्रि को एक एक बार भोजन करे वो धन धान्य से भरपूर रहे। कृपया करके मुझे ऐसा वरदान दीजिए। भगवान श्री हरि ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे कन्या, ऐसा ही होगा। मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे और अंत में संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त होकर मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। हे कल्याणी, तुम एकादशी को पैदा हुई हो, इसलिए तुम्हारा नाम भी एकादशी हुआ, और क्योंकि तुम मेरे अंश से उत्पन्न हुई हो, इसलिए संसार में तुम उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानी जाओगी। जो मनुष्य इस दिन व्रत करेंगे उनके समस्त पाप समूल नष्ट हो जाएंगे। तुम मेरे लिए अब तीज, अष्टमी, नवमी और चौदस से भी अधिक प्रिय हो। तुम्हारे व्रत का फल सब तीर्थों के फल से भी महान होगा, ये मेरा अकट्य कथन है। इतना कहकर भगवान श्रीहरि उसी स्थान पर अंतर्ध्यान हो गए। श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडु पुत्र, एकादशी के व्रत का फल सभी व्रतों और सभी तीर्थों के फल से महान है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य के शत्रुओं का मैं जड़ से नाश कर देता हूं और व्रत करने वाले को मोक्ष प्रदान करता हूं। उन मनुष्यों के जीवन को जो भी कष्ट होते हैं उन्हें भी मैं दूर कर देता हूं। अर्थात मुझे अत्यंत प्रिय एकादशी के व्रत करने वाला प्राणी सभी ओर से निर्भय और सुखी होकर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, ये मैंने तुम्हें एकादशी की उत्पत्ति के विषय में बतलाया है। एकादशी व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला है और सिद्धि प्रदान करने वाला है। श्रेष्ठ मनुष्यों को दोनों पक्षों की एकादशियों को समान समझना चाहिए, उनमें भेदभाव करना उचित नहीं है। जो मनुष्य एकादशी महत्तम का पठन व श्रवण करेंगे उन्हें अश्वमेध यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होगी, ये मेरा अकट्य वचन है। एकादशी महत्तम समाप्त। याद रखो, इस कथा से हमें पता चलता है कि एकादशी भगवान विष्णु की साक्षात शक्ति है, जिस शक्ति ने उस असुर का वध किया जिसे भगवान भी जीत पाने में असमर्थ हो रहे थे। उस शक्ति के आगे मनुष्य के पाप रूपी असुर भला कैसे टिक सकते हैं, खुद ही सोचो। जिस शक्ति ने देवताओं के कष्टों को हर कर उन्हें सुख दिया, वो हम मनुष्य को क्या नहीं दे सकती। एकादशी व्रत से मनुष्यों को सुख, समृद्धि, शांति और मोक्ष आदि समस्त सुख सहज ही प्राप्त हो जाते हैं, याद रखो। इसलिए प्रेम से, मन से, भाव से उत्पन्ना एकादशी का व्रत करो, पूजा करके कथा सुनो, ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो नारायणाय नमः। अब प्रेम, मन और भाव से एकादशी माता की आरती करेंगे। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता,
तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी मैया, भक्ति प्रदान करनी गण गौरव की देनी माता, गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्ग शीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्व तारिणी जन्मी मैया, विश्व तारिणी जन्मी शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्ति दाता बन गई। ओम जय एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है मैया, सफला नामक है शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे मैया, कृष्ण पक्ष आवे शुक्ल पक्ष में जया कहावे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विद्या फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला मल की मैया, शुक्ला मल की पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली मैया, धन देने वाली नाम बरुतनी कृष्ण पक्ष में, नाम बरुतनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपराजेष्ठा कृष्ण पक्षी, अपराजेष्ठा कृष्ण पक्षी नाम निर्जला सब सुख करनी, नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, योगनी नाम आषाण में जानो कृष्ण पक्ष करनी मैया, कृष्ण पक्ष करनी देवशयनी नाम कहायो, देवशयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, कमिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए मैया, कृष्ण पक्ष कहिए श्रावण शुक्ला होए पवित्र, श्रावण शुक्ला होए पवित्र आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला मैया, परिवर्तनी शुक्ला इंद्रा अश्विन कृष्ण पक्ष में, इंद्रा अश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, पापन कुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरण हारी सौमया, आप हरण हारी रमा मास कार्तिक में आवे, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, देव ओटनी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, दुख नाशक मैया पावन मास में करु विनती, पावन मास में करु विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी मैया, जन मंगल करनी शुक्ल मास में होए पद्मनी, शुक्ल मास में होए पद्मनी दुख दरिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता, जो कोई आरती एकादशी माता की भक्ति सहित गावे भैया, भक्ति सहित गावे
जन गुरुदित स्वर्ग का वासा, जन गुरुदित स्वर्ग का वासा, निश्चय वो पावे ओम जय एकादशी माता। बोलो एकादशी मैया की जय।